हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। माई सेल्फ लर्नर विकास, द फाइनेस्ट एंड इजिएस्ट वे टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट सम कंसेप्ट्स इन कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ कंसेप्ट देखे थे। वो ही कंसेप्ट बेस बच्चों आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आज हमारे पास कुछ अराउंड 10 जितने एमसीक्यूज हो गए और सभी एमसीक्यूज बढ़िया हो गए, जो आपको जी और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्पफुल बन सकते हैं। चलो तो सॉल्व करते हैं। चलो, फर्स्ट है हमारे पास इन रबिंग प्रोसेस ऑफ ग्लास रॉड विथ सिल्क क्लोथ। सिल्क क्लोथ बिकम 320 नैनोकुलम नेगेटिवली चार्ज। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज बाय ग्लास रॉड। बच्चों, हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना। बच्चों, कई बार होता क्या है, हमें सभी कंसेप्ट पता होते हैं बट हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाते और इसलिए उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसको बारीकाई से, सभी हमें जो भी कुछ गिवन है उस सभी वैल्यू को हमें क्या करना है, माइंड में लेना है, फिर सोचना है कि हमें क्या फाइंड करना है और कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, बाद में उसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे, इन रबिंग प्रोसेस ऑफ ग्लास रॉड विथ सिल्क क्लोथ। सिल्क क्लोथ एंड ग्लास रॉड के बीच में रबिंग प्रोसेस होती है। सिल्क क्लोथ बिकम 320 नैनोकुलम नेगेटिवली चार्ज। अब बच्चों ध्यान से सुनना, सिल्क क्लोथ कैसा बनता है, नेगेटिवली चार्ज बनता है और उस पर कितना चार्ज एक्वायर होता है, 320 नैनोकुलम। दैट मीन्स सिल्क क्लोथ कब नेगेटिवली चार्ज बनेगा, जब वो ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे सिल्क क्लोथ क्या हुआ, नेगेटिवली चार्ज हुआ एंड जो ग्लास रॉड है वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज बाय ग्लास रॉड। ऑब्वियसली ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए होंगे, लूज किए होंगे, तभी वो पॉजिटिवली चार्ज बन सका। और सिल्क क्लोथ ने नेगेटिवली चार्ज, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को क्या किए, एक्सेप्ट किए होंगे, तभी वो नेगेटिवली चार्ज बन सका। ओके, तो हमें क्या गिवन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 320 नैनोकुलम चार्ज एक्सेप्ट बाय सिल्क क्लोथ, ओके, फ्रॉम ग्लास रॉड। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज बाय ग्लास रॉड। अब बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखा था। द टोटल चार्ज इन यूनिवर्स इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज विच इज टेकन एज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यूज करके। टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी कैन से नंबर ऑफ चार्ज इंटू फंडामेंटल चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों देखो Q कितना है, Q है -320 नैनोकुलम। ध्यान से सुनना, -320 नैनोकुलम, बिकॉज नेगेटिवली चार्ज है इसलिए हम इसको विथ नेगेटिव साइन लेंगे। इज इक्वल टू एन एज इट इज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, -1.6 मल्टीप्लाई बाई 10^-19 कुलम। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे नैनो कुलम को कुलम में ट्रांसफर करेंगे। सो -320 मल्टीप्लाई बाई 10^-9 कुलम इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई माइनस ऑफ 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10^-19 कुलम। सबसे पहले तो यहाँ से कुलम कुलम कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो अगर हम यहाँ से n को सब्जेक्ट बनाएंगे तो n इज इक्वल टू 320 मल्टीप्लाई बाई 10^-9 एज इट इज डिवाइडेड बाई, ये वाला डिविजन में आ जाएगा, सो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10^-19। सो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिलेगी, n इज इक्वल टू 320 को
कैल्सी कहाँ गया? ओके थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी को हम 1.6 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 200। क्या आंसर आंसर मिलता है 200। सो हमें आंसर मिला 200 मल्टीप्लाई बाय। अब ध्यान से सुना, ये डिनोमिनेटर पार्ट में जो 10 पावर -19 है वो न्यूमेरेटर में जाके 10 पावर 19 हो जाएगा। एंड यहां से बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा 19 माइनस 9, सो 10 पावर 10। अब बच्चों हम 200 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। ओके एंड यहां से 10 पावर 10, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 12। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 12 ऐसा ऑप्शन है बच्चों यहां पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 12। यस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके चलो सेकंड देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन 1 माइक्रोग्राम इलेक्ट्रॉन इज ब्लैंक कूलम। बच्चों ध्यान से सुना ये वाले क्वेश्चन को। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन 1 माइक्रोग्राम इलेक्ट्रॉन, 1 माइक्रोग्राम जितने मास के इलेक्ट्रॉन पे टोटल कितना चार्ज होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो बच्चों हम इसको कैसे डील करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाले क्वेश्चन को बच्चों हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलो हमें फाइंड करना है चार्ज। अब देखो ध्यान से, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 कूलम्ब विथ नेगेटिव साइन। ओके बट हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सो हम नेगेटिव साइन को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। दैट मीन्स द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 कूलम्ब। तो हम यहां से ऐसा कह सकते हैं। एंड दूसरा कि एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा जो हमें यहां पे गिवन है, नहीं गिवन, ओके चलो 9.11 यहां पे गिवन है, यस यहां पे गिवन है 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -31 केजी। हम यहां पे कितना मास लेंगे ना इलेक्ट्रॉन का जो हमें यहाँ पे गिवन होगा, हमने यहाँ पे बाई मिस्टेक नहीं लिखा है बट यहाँ पे गिवन है, चलो लिख लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -31 केजी। ओके बच्चों चलो देखो, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 कूलम्ब। एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -31 केजी। दैट मीन्स 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -31 केजी इलेक्ट्रॉन में कितना मास कितना चार्ज होगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 कूलम होगा। तो 1 मिलीग्राम इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -31 केजी मास है अगर, तो उस मास में इतने मास में चार्ज होगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 कूलम। ओके तो हमारे पास कितना चार्ज गिवन है 1 माइक्रोग्राम। चलो पहले तो 1 माइक्रोग्राम को ग्राम में ट्रांसफर करते हैं। 1 माइक्रो मीन्स 10 पावर -6। ओके सो 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10 पावर -6 ग्राम। ग्राम को फिर से किलोग्राम में ट्रांसफर करते हैं सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 पावर -3 किलोग्राम। वहां पे 10 पावर -6 था दैट मीन्स माइक्रोग्राम से हमने ग्राम में ट्रांसफर किया तो 10 पावर -6 आया। फिर से ग्राम को हमने किलोग्राम में ट्रांसफर किया फिर से 10 पावर -3 आया। डेट मीन्स 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10 पावर -9 के जी। सो 10 पावर -9 के जी जितने मास में कितना चार्ज होगा। सो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर
माइनस 19 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 31 इज इक्वल टू। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 19 है, यहाँ पे 9 है, सो 9 इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 1 माइक्रोग्राम। ओके चलो, सो इसका मल्टी 9 सो 28 हो जाएगा, 10 पावर माइनस 28, सो 1.6 डिवाइडेड बाई 9.11 इज इक्वल टू 0.1756 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर। अब ध्यान से सुना, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर ये हो गया माइनस 28 और 31 ऊपर चला जाएगा, सो 31 में से 28 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा ना, 3 बचेगा, सो यहाँ से क्या बने बचेगा 10 पावर 3। ऐसा कोई आंसर है बच्चों? नहीं है ना। ओके चलो हम क्या करते हैं, इस डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, सो 10 पावर 3 को रिमूव करते हैं। जब हम डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर माइनस में इंक्रीज होता है, सो यहाँ पे ले जाएंगे तो 10 पावर माइनस 3 होगा, सो 175.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 0, ओके विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 176 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 0 कूलम। ये रहा हमारा आंसर, ओके 176 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 0, और वी कैन से 10 पावर 0 इज इक्वल 1, सो 176 कूलम जितना चार्ज होगा 1 माइक्रोग्राम इलेक्ट्रॉन पे। चलो थर्ड एमसीक्यू है हमारे पास, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड बी बोथ हैविंग प्लस क्यू चार्ज ऑन इट, इफ थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर सी इज फर्स्ट पुट इन कॉन्टेक्ट विथ ए एंड देन सेपरेट एंड देन इट इज पुट इन कॉन्टेक्ट विथ बी एंड सेपरेट, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन स्फीयर सी। बच्चों हमारे पास दो आइडेंटिकल स्फीयर है, दोनों पे कितना चार्ज है, प्लस क्यू जितना चार्ज है, ऐसा हमें यहाँ पे गिवन है। अब ऐसा ही एक दूसरा स्फीयर है हमारे पास जिसपे इनिशियली कोई भी चार्ज नहीं है, दैट मीन्स चार्ज ऑन स्फीयर सी, इनिशियली द चार्ज ऑन स्फीयर सी इज जीरो। अब उस जीरो चार्ज वाले स्फीयर सी को सबसे पहले हम ए वाले स्फीयर के कॉन्टेक्ट में ले जाएंगे, तो होगा क्या, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है, डेट मीन्स दोनों पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए। क्यू फर्स्ट ए वाले पे कितना चार्ज है, ए वाले पे बिफोर कॉन्टेक्ट ए वाले पे क्यू जितना चार्ज है, बिफोर कॉन्टेक्ट सी वाले पे कितना चार्ज है, जीरो चार्ज है, बट जब हम दोनों को कॉन्टेक्ट में लाएंगे, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स है, सो दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, दैट मीन्स ए पे चार्ज रहेगा आफ्टर कॉन्टेक्ट क्यू बाई टू एंड हाफ चार्ज है क्यू बाई टू जितना वो सी पे चला जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम सी वाले को बी वाले के कॉन्टेक्ट में ले जाएंगे, सो दोनों पे फिर से इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो टोटल कितना चार्ज होगा क्यू पे वो हम देखते हैं यहाँ पे। चलो कॉन्टेक्ट ऑफ सी विथ ए, स्फीयर सी का ए से कॉन्टेक्ट करवाते हैं पहले। चलो तो दोनों पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सो चार्ज ऑन ए एंड सी आफ्टर कॉन्टेक्ट। चलो कंसीडर करते हैं हम इसको क्यू डैश, सो क्यू पे कितना चार्ज था, ए पे कितना चार्ज था क्यू ए जितना, सी पे कितना था क्यू सी जितना डिवाइडेड बाई टू, दोनों पे इक्वल चार्ज हो गए डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सो दोनों का एवरेज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। नाउ
सो क्यू डैश दैट इज चार्ज ऑन स्फीयर ए एंड स्फीयर सी आफ्टर कॉन्टेक्ट. चार्ज ऑन ए बिफोर कॉन्टेक्ट चार्ज ऑन ए कितना था, क्यू जितना. सी पे कितना था, जीरो जितना, डिवाइडेड बाई टू. सो क्यू डैश इज इक्वल टू, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू बाई टू. दिस इज अ चार्ज ऑन स्फीयर. सो हम यहाँ से लिखेंगे चार्ज ऑन स्फीयर ए आफ्टर कॉन्टेक्ट. बिफोर कॉन्टेक्ट को हमने क्यू ए लिखा, तो आफ्टर कॉन्टेक्ट को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ए डैश लिख सकते हैं. इज इक्वल टू कितना हुआ, कैपिटल क्यू बाई टू. सो ये हो गया चार्ज ऑन स्फीयर ए आफ्टर कॉन्टेक्ट. सेम एज चार्ज ऑन स्फीयर सी आफ्टर कॉन्टेक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यू सी डैश बोलेंगे. सो क्यू सी डैश इज इक्वल टू क्यू बाई टू. बच्चों ये जो क्यू डैश हमें मिला ना, वो दोनों पे चार्ज है, ए पे भी है और सी पे भी है. सो क्यू सी डैश इज इक्वल टू क्यू बाई टू. फिर से एक बार, हम जब स्फीयर ए को सी के कॉन्टेक्ट में लाएंगे, सो दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए. सो दोनों चार्ज का एवरेज हमें लेना पड़ेगा. दोनों चार्ज का एवरेज लेने पे हमें वैल्यू मिली क्यू बाई टू. दैट मीन्स जितना चार्ज ए पे डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ही चार्ज सी पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिकॉज बोथ स्फीयर्स आर आइडेंटिकल स्फीयर्स. चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस सी वाले स्फीयर को फिर से बी वाले के स्फीयर के कॉन्टेक्ट में ले जाना है. सो कॉन्टेक्ट ऑफ सी, कॉन्टेक्ट ऑफ स्फीयर सी विथ स्फीयर बी, विथ स्फीयर बी. चलो दोनों पे कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए. सो क्यू डैश, क्यू डबल डैश इज इक्वल टू, अब ये कितना चार्ज लेके आया, जब हम बी पे ले जा बी के साथ कॉन्टेक्ट में लाएंगे तब सी स्फीयर के पास ऑलरेडी क्यू बाई टू जितना चार्ज है, और उसको हम बोलेंगे क्यू सी डैश. प्लस बी पे कितना चार्ज है, क्यू बी. क्यू बी डैश हम नहीं लिख सकते, बिकॉज क्यू पे जितना चार्ज था उतना इनिशियली जितना चार्ज था इतना ही उतना ही है. सो क्यू बी डिवाइडेड बाई टू. सो क्यू डबल डैश इज इक्वल टू क्यू सी डैश कितना है, क्यू बाई टू जितना है. प्लस बी पे कितना था इनिशियली, क्यू जितना होल डिवाइडेड बाई टू. सो क्यू डबल डैश इज इक्वल टू, बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल सी एम लेंगे, ये टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो टू क्यू प्लस क्यू डैट मीन्स थ्री क्यू एंड टू यहाँ पे चला जाएगा. सो थ्री क्यू बाई फोर, थ्री क्यू बाई फोर. यहाँ से हमें क्या मिला, थ्री क्यू बाई फोर. सो बिफोर कॉन्टेक्ट क्यू सी डबल डैश इज इक्वल टू थ्री क्यू डिवाइडेड बाई फोर. सी पे कितना चार्ज हुआ, थ्री क्यू बाई फोर. एंड बी पे कितना हो जाएगा, क्यू बी डैश इज इक्वल टू थ्री क्यू बाई फोर. हमें किस पे फाइंड करना था, स्फीयर सी पे. तो स्फीयर सी पे कितना चार्ज होगा, थ्री क्यू बाई फोर जितना. ओके चलो फोर्थ एमसीक्यू देखो. व्हेन पॉलीथीन पीस इज रब्ड विथ वूल, पॉलीथीन पीस एक्वायर्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाय टेन पावर माइनस सेवन कूलम चार्ज, देन मास ट्रांसफर टू पॉलीथीन इज ब्लैंक केजी. जब हमने पॉलीथीन को वूल से, ऊन से क्या किया, रब किया, तो पॉलीथीन पीस पे टू मल्टीप्लाई बाय टेन पावर माइनस सेवन कूलम जितना नेगेटिव चार्ज एक्वायर हुआ. तो पॉलीथीन पे, अब पॉलीथीन पे चार्ज आया होगा, बिकॉज पॉलीथीन कैसी बनी है, नेगेटिवली चार्ज बनी है. दैट मीन्स वूल पे से पॉलीथीन पे क्या हुआ, चार्ज ट्रांसफर हुआ. जब हमने बच्चों फर्स्ट वीडियो में हमने ऐसी बात की थी कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होते हैं तो चार्ज के साथ साथ कुछ मास भी ट्रांसफर होता है. तो इतना चार्ज आता है तो कितना मास पॉलीथीन पे ट्रांसफर किया ट्रांसफर हुआ होगा, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है. तो बच्चों हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज फाइंड करने पड़ेंगे. सो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आया, तो हम यहाँ से सॉल्यूशन निकालेंगे. ओके इसके ऑप्शन हमें यहाँ पे नहीं लिखे हैं ना, चलो ऑप्शन लिख लेते हैं. ऑप्शन कहाँ पे चला गया,
हाँ 11.38 है यहाँ पे, नहीं है ना? ओके 11.38, 11.38 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19, माइनस 19, ऑप्शन नंबर बी 5.69 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19, 5.69 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19, ऑप्शन सी 2.25, 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19, एंड ऑप्शन नंबर डी 9.63 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19। ओके चलो अब देखो यहां पे टोटल कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ। सो हम यहां से सॉल्यूशन निकालेंगे, टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 7 कूलम। ओके हम यहां से कौन सा रूल्स यूज करेंगे, क्वांटाइजेशन रूल यूज करेंगे, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। सो क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, हम यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए होंगे वो फाइंड कर लेंगे। इतना चार ट्रांसफर हुआ डेट मीन्स कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो हम यहां पे फाइंड करेंगे, एन को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो हम लिख सकते हैं क्यू बाई ई। सो एन इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 7 कूलम। ओके नेगेटिव चार्ज है, एंड एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है, माइनस 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। पहले तो कूलम कूलम कैंसल आउट, यहां से माइनस माइनस भी कैंसल आउट। सो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे एन इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1.6 तो हमें मिलेगा 1.25 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 10 पावर माइनस 19 है वो डिनोमिनेटर से न्यूमेरेटर में जाके 10 पावर 19 हो जाएगा, एंड 10 पावर 19 माइनस 7 सो 10 पावर 12, सो यहां से 10 पावर 12 हो जाएगा। ओके इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिले। अब देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन आता, अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता तो इलेक्ट्रॉन के मास जितना मास ट्रांसफर होता दैट मीन्स 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 31 केजी जितना मास ट्रांसफर होता। एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 31 केजी जितना मास ट्रांसफर होता है तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने पे टोटल कितना मास ट्रांसफर हुआ होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता तो एक इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 31 केजी जितना मास ट्रांसफर होता। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 12 जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो कितना केजी मास ट्रांसफर हुआ होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 31 केजी मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 12 चलो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 9.1 इज इक्वल टू 11.375 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर यहाँ पे माइनस 31 है यहाँ पे 12 है सो 12 में से 12 को माइनस करेंगे तो 19 बचेगा, 10 पावर माइनस 19 केजी विच इज अप्रॉक्सीमेटली 11.38 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 केजी
इतना मास बच्चों ट्रांसफर हुआ होगा, 11.38 × 10⁻¹⁹ kg है ऑप्शन यहाँ पे, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ओके बच्चों चलो स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ वी हैव 3 MCQs। फर्स्ट MCQ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 ग्राम मास इज मेड अप ऑफ 5 × 10⁻²⁰ एटम्स। इफ 0.01% एटम्स ऑफ इट रिमूव्स 1 इलेक्ट्रॉन, देन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट विल बी ब्लैंक कूलम। बच्चों हमें ऐसा बोला गया है, एक 1 ग्राम मास का एक ऑब्जेक्ट है जो कि वो 5 × 10⁻²⁰ एटम से बना हुआ है। अगर 5 × 10⁻²⁰ के 0.01% एटम्स अपने में से एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो उस बॉडी ने कितना इलेक्ट्रिक चार्ज रिमूव किया होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। चलो तो कैसे फाइंड करेंगे, हमें क्या गिवन है, टोटल मास, ओके सॉरी टोटल नंबर ऑफ एटम्स, सो वी कैन राइट टोटल नंबर ऑफ एटम्स जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, एन इज इक्वल टू 5 × 10⁻²⁰ जितने एटम्स हैं। अब उसके 0.01% एटम्स क्या करते हैं, अपने में से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, लूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन इज इक्वल टू 0.01% ऑफ एन। ध्यान से सुना, ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, उसमें से 0.01% एटम्स क्या करते हैं, अपने में से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले हमें टोटल नंबर का 0.01% एटम्स कितने होंगे वो फाइंड करने पड़ेंगे, जितने एटम्स उतने क्या करेंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम जितना चार्ज रिमूव हो जाएगा। अब जितने नंबर ऑफ एटम्स हमें मिलेंगे × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम करेंगे तो हमें टोटल कितना चार्ज रिमूव हुआ वो पता चल जाएगा। सो एन इज इक्वल टू 0.01% ऑफ कैपिटल एन, सो स्मॉल एन इज इक्वल 0.01% को हम क्या लिखेंगे, 0.0, देखो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज की साइन रिमूव करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, 0.01 / 100। जब भी हम परसेंटेज में ट्रांसफर करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, एंड जब हम परसेंटेज रिमूव करते हैं तब हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। सो 0.01 / 100, 0.01 को हम क्या लिखेंगे, 1/100, एंड परसेंटेज रिमूव करेंगे तो फिर से डिवाइडेड बाय 100, दैट मीन्स 1/10,000, सो 1/10⁴। फिर से एक बार, 0.01 इज इक्वल टू 1/100, जब परसेंटेज रिमूव करेंगे तो फिर से 100 से डिवाइड करेंगे, सो 100 से कितनी बार डिवाइड हुआ, 2 times, सो 10⁴ ऑफ एन, और एन कितना है, 5 × 10⁻²⁰ जितना है। सो यहाँ से हमें टोटल स्मॉल एन मिल जाएगा 0.01% ऑफ कैपिटल एन, सो 10⁻⁴ न्यूमेरेटर में जाके 10⁻⁴ हो जाएगा, सो 5 × यहाँ से 17 हो गया ना, 17 × 10⁻¹⁷ एटम्स, इतने एटम्स रहेंगे। अब एक एटम्स क्या करता है बच्चों, एक एटम अपने में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं, सो नंबर ऑफ एटम्स रिमूव्स इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एटम्स रिमूव्स इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 5 × 10⁻¹⁹
17। अब बच्चों देखो, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, सॉरी एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, एक, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, तो टोटल कितने, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो रिमूव करेगा। अब बच्चों देखो, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो एक इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग चार्ज कितना होगा, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10^-19। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए तो टोटल चार्ज कितना होगा, क्यू जितना। सो क्यू इज इक्वल टू एन टाइम्स ई। सो टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू एन कितना है, 5 × 10^17 जितना, मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10^-19 कूलम। सो यहाँ से हमें कुल टोटल चार्ज मिलेगा 16 को हम लिख सकते हैं, सॉरी 1.6 को लिख सकते हैं 16/10। ओके, एंड 16 × 80/10, सो 8 रहेगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 10^19, सो 10^-2 कूलम। 10^-2 को हम लिख सकते हैं 1/100, सो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू 8/100, सो 0.08 कूलम। कितना चार्ज बच्चों, 0.08 कूलम। देखो बच्चों, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, प्लस भी है माइनस भी है, बट यहाँ पे प्लस क्यों आया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए। अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट से रिमूव होता है तब वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। यहाँ से 5 × 17 5 × 10^17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए बच्चों, रिमूव हुए, तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, एक्वायर हुआ। सो यहाँ से दैट मीन्स यहाँ से यहाँ पे हमें टोटल चार्ज की वैल्यू क्या मिली, पॉजिटिव मिली। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, ये रिजल्ट आने के बाद भी आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आपको माइंड में क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ दैट मीन्स बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बनेगी, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता तो बॉडी क्या करती, नेगेटिवली चार्ज बनती। चलो सिक्स एग्जाम्पल पर सिक्स देखते हैं। चार्ज ऑन 75 kg इलेक्ट्रॉन इज ब्लैंक कूलम। बच्चों हमें टोटल कितना किलोग्राम इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, 75। सो हम यहां से टोटल मास लिखेंगे, टोटल मास m इज इक्वल टू 75 kg। ओके, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 × 10^-31 kg। अगर बच्चों मान लो 75 kg मास में अगर स्मॉल n जितने क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, सो हम लिख सकते हैं इफ सपोज स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 75 kg मास में अगर स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सो एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होगा, n टाइम्स m ही जितना होगा, और वो टोटल कितना होगा, टोटल मास जितना होगा। सो मास, टोटल मास इज इक्वल टू n टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ से हम n फाइंड कर सकते हैं, n इज इक्वल टू, फिर से एक बार, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, n नंबर, तो टोटल मास कितना होगा, m जितना। सो m इज इक्वल टू n टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ से हम n फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो मास, टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो टोटल मास कितना है, कहाँ पे गया 75 kg, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1
मल्टीप्लाई बाय 10^-31 केजी। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन इज इक्वल टू 75/9.1 तो 8.241 मल्टीप्लाई बाय 10^-31 न्यूमेरेटर में जाके 10^31 हो जाएगा और आंसर हमें किस में मिलेगा, केजी में मिलेगा। ओके सॉरी केजी में नहीं, नंबर है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो केजी केजी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिले। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10^-19 कूलम। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन क्यू इज इक्वल टू एनी। सो यहाँ से हम टोटल चार्ज क्यू फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 8.24 मल्टीप्लाई बाय 10^31 मल्टीप्लाई बाय एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है −1.6 × 10^-19 कूलम। ओके सो चार्ज क्यू इज इक्वल टू 8.24 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इज इक्वल टू 13.184 मल्टीप्लाई बाय 10^ यहाँ पे 31 है वहाँ पे 19 है, 31 − 19 तो आंसर मिलेगा हमें 10^12 कूलम। बच्चों यहाँ पे तो ऐसा आंसर है नहीं। ओके तो देखो यहाँ पे विथ नेगेटिव साइन, तो बच्चों यहाँ पे देखो यहाँ पे 1.32 है, एक ही पॉसिबल है। अगर हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू −1.318 और आफ्टर डेसिमल पॉइंट अगर हम दो डिजिट को ही कंसिडर करें तो थर्ड डिजिट 8 है विच इज़ मोर देन 5, तो आगे वाला जो डिजिट है वो वन टाइम इंक्रीज हो जाएगा। सो 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10^ हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो एक पावर इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होके 10^13 हो गया। सो Q इज इक्वल टू −1.32 मल्टीप्लाई बाय 10^13। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके चलो बच्चों अब हम लास्ट में एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। इफ एनी ऑब्जेक्ट एक्वायर्स 10.10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड देन फाइंड द टाइम फॉर 1 कूलम चार्ज एक्वायर ऑन इट। एक ऑब्जेक्ट है जिस पे एक सेकंड में पर सेकंड 10^10 जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो एक वन कूलम इलेक्ट्रॉन को एक्वायर होने पे उस ऑब्जेक्ट पे आने में कितना टाइम लगेगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ध्यान से, अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो कितना चार्ज लेके आता है, 1.6 × 10^-19 कूलम। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 10^10। ओके सो पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि 10^10 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज प्रोड्यूस करता है। ओके बच्चों सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, 10^10 जितना इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज प्रोड्यूस करता है। सो यहाँ से हम लिखेंगे चार्ज ऑफ 10^10 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच्चों कितना है, 1.6 × 10^-19। सो 10 का कितना होगा, 10 × 1.6 × 10^-19 कूलम। सो टोटल चार्ज होगा 1.6 × 10^-18 कूलम। 10 इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज एक्वायर करते हैं, 1.6 × 10^-18 कूलम। अब देखो पर सेकंड कितने चार्ज आते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दैट मींस पर सेकंड इतना चार्ज आता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1.6 × 10^-18 कूलम
चार्ज को आने के लिए एक सेकंड जितना टाइम लगता है, बिकॉज पर सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एंड पर सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो पर सेकंड 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻¹⁸ कूलम जितना चार्ज एक्वायर होता है। डेट मीन्स 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻¹⁸ कूलम चार्ज एक्वायर होने में एक सेकंड जितना टाइम लगता है, तो टोटल कितना चार्ज हमें एक्वायर करना है, 1 कूलम जितना। सो 1 कूलम के लिए कितना टाइम लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 कूलम मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻¹⁸ कूलम। कूलम कूलम कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 तो कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 0.625 मल्टीप्लाई बाय, ये जो 10⁻¹⁸ है वो न्यूमेरिकल में जाके 10⁻¹⁸ हो जाएगा और इतनी सेकंड। अब यहाँ पे हमें ए बी सी डी एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा है, तो हम सेकंड को पहले किस में ट्रांसफ़र करेंगे, आवर में। अगर बात चली तो इन तीनों की ज़रूरत नहीं है, अगर बात नहीं बनी तो डे में ट्रांसफ़र करेंगे, अभी भी बात नहीं बनी तो ईयर में ट्रांसफ़र करेंगे। चलो सेकंड को पहले किस में ट्रांसफ़र करेंगे, आवर में। सो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। सो 1 आवर को अगर हम सेकंड में ट्रांसफ़र करते हैं, सो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3600 आवर। सो इसको हम आवर में ट्रांसफ़र करेंगे, सो 0.625 मल्टीप्लाई बाय 10⁻¹⁸। ओके, अब आवर में हम ट्रांसफ़र करेंगे, सो डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे। सो ये आंसर आवर में ट्रांसफ़र हो गया, 0.625 डिवाइडेड बाय 3600। सो आंसर मिला हमें 1.736 मल्टीप्लाई बाय 10⁻¹⁴, एंड ये रहा 10⁻¹⁸। सो 10⁻¹⁸, सो हमें जो टाइम मिलेगा वो टाइम टी इज इक्वल टू 1.736 मल्टीप्लाई बाय 10⁻¹⁸ माइनस 4, सो 10⁻¹⁴ आवर जितना होगा, 10⁻¹⁴ आवर जितना होगा। ये आंसर बच्चों हमारा सेकंड में, ये आंसर हमारा आवर में। अभी भी बात नहीं बनी आवर में भी, तो हम करें अब इसको ट्रांसफर करेंगे डे में। बच्चों 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर इज इक्वल टू 1 डे। ओके, फिर से एक बार, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर। सो 1 आवर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 24 डेज। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, आवर को डे में ट्रांसफ़र करेंगे, सो टी इज इक्वल टू 1.736 मल्टीप्लाई बाय 10⁻¹⁴, एंड 1 आवर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 24 डेज। ओके, चलो सो यहाँ से हम टी फाइंड करेंगे, सो टी हमें मिलेगा, टी इज इक्वल टू 1.736 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 0.072 ओके। देखो मल्टीप्लाई बाय 10⁻¹⁴ एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 10⁻¹⁴ एज इट इज, और ये हमें आंसर मिलेगा डेज में, इतने डेज लगेंगे। ओके चलो, तो डेज में भी बात नहीं बनी क्योंकि यहाँ पे तो 10⁻¹⁰ समथिंग है ही नहीं, यहाँ पे 10 का पावर है। सो डे में आंसर ये मिलेगा हमें। चलो अब ईयर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज।
सो वन डे इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई 365 ईयर्स। सो हम इसको ईयर में ट्रांसफर करते हैं। सो टाइम टी इज इक्वल टू 0.07233 मल्टीप्लाई बाई 10^14 वन डिवाइडेड बाई 365 डेज को हम ट्रांसफर करेंगे ईयर्स में। ओके सो टाइम टी इज इक्वल टू 0.07233 डिवाइडेड बाई 365 इज इक्वल टू 1.98 मल्टीप्लाई बाई 10^-4 एंड यहाँ पे 10^14 एज इट इज है इतने ईयर्स। ओके कुछ मिस्टेक हुई फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। इतना चार्ज मिला हमें 10^10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ओके यहाँ पे गलती हो गई बच्चों, यहाँ पे गलती क्या हुई, हमने 10^10 की जगह पे 10 ही लिखा है, हुई ना मिस्टेक। हाँ बहुत बड़ी वाली मिस्टेक हुई। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10^-9 होगा, यहाँ पे 10^-9 होगा, यहाँ पे 10^-9 होगा, -9। सो ये वाला आंसर क्या मिलेगा हमें, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला 10^-9 है, ऊपर जाके 10^9 हो जाएगा। ओके हाँ सो ये वाला आंसर होगा 10^9। सो ये तो एज इट इज रहेगा, ये वाला एज इट इज रहेगा, ये 10^19 की जगह पे क्या होएगा 10^9। सो ये हो जाएगा 10^14 की जगह पे हो जाएगा 10^5। ओके ये जो 10^5 होगा तो यहाँ पे भी 10^5 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 10^5 लिखते हैं तो यहाँ पे भी 10^5 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 10^5 लिखते हैं तो यहाँ पे भी 10^5 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 10^5 लिखना पड़ेगा। ओके बच्चों जो एक स्मॉल मिस्टेक थी, यहाँ पे मिस्टेक कुछ नहीं थी, हमने कुछ मिस कर दिया था, यहाँ सिर्फ 10 ही लिखा था, 10^10 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके ऐसी बच्चों ऐसी ही स्मॉल मिस्टेक हमें एग्जाम में नहीं करनी है, जो कि मैंने कर ली है पर आपको नहीं करनी है। चलो सो टी इज इक्वल टू अब देखो यहाँ पे 10^5 है, यहाँ पे 10^-4 है, डैट मीन्स 10 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 1.98 सो विच इज अप्रॉक्सीमेटली 19.8 ईयर्स, और 19.8 ईयर्स विच इज अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स। दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर फाइनल आंसर। 20 साल लगेंगे जो एक सेकंड में 10^10 जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो हम अगर 20 साल 20 ईयर तक अगर हम वेट करेंगे तब 1 कूलम जितना चार्ज उस बॉडी पे एक्वायर हो सकता है। ओके बच्चों सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक डू व्हाटएवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।